वन लास्ट डे लेफ्ट इन इंडिया. कल मेरी फ्लाइट है कनाडा के लिए एंड कल 13th November है विच इज माई ब्रदर्स बर्थडे. कोइंसिडेंटली ये हो गया कि टिकट्स उस दिन की मिली हैं तो कल तो सेलिब्रेट कर नहीं पाएंगे कुछ बिकॉज कल RT-PCR के लिए जाना है फिर शाम को फ्लाइट के लिए जल्दी निकलना होगा. तो आज मौका मिला है एंड बाई चांस हरमीत के मॉम डैड भी आए डिनर पे तो फिर अच्छा सारी फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगी. भाई को सरप्राइज देंगे क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा बट उससे कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है बट विल ट्राई अवर बेस्ट. भाभी के साथ जाती हूँ मैं अभी शॉपिंग करके आना है. डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा घर एंड एंजॉय करेंगे. वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लव इट. आ रहे हैं बलून. मेहनत देखो सरप्राइज की. और ये हमारा मैनेजर साहब हमारे. क्या चाहिए? बलून प्लीज. हम फुला कर ही रहेंगे. फुला और ये इससे बचा के. हाँ और इससे बचा के भी रहेंगे. माता जी व्हाट आर यू अप टू नाउ? आई एम डूइंग इट मैन्युअली. क्यों मशीन काम नहीं कर रही है आपकी? बस हवा निकल जाएगी सारी. छोड़ो नो ये जो मशीन है ना इससे ज्यादा अच्छा बाय माउथ हो जाता है. ये हमारा बेबी भी पापा के बर्थडे के लिए बलून फुला रहा है. फुलाओ ननन एंड भाभी ब्लोइंग बलून्स फॉर देयर ब्रदर एंड हस्बैंड हस्बैंड्स बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू. दीदी ऊपर देखो. दीदी शर्मा क्यों रही हो? मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना. अपने हेयर पे फ्लॉन्ट करो. हाय हाय ऐसे नहीं ऐसे उंगली डाल के ऐसे करो. हाय हमारे बेबी को भी इतनी जल्दी है. वो कह रहा है मैं खुद चढ़ के लगाऊंगा. नून गेट डाउन. सो थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली है और अभी हम ऐसे बने हैं. मम्मी डैडी निकल चुके हैं घर से. वो पहुंचने वाले हैं और हम तैयार नहीं हैं अभी तक. और भाई भी ऑफिस से आने वाला होगा. बट डेकोरेशन देखो बहुत मेहनत लगी. बट आई होप इट्स वर्थ इट. बताना कॉमेंट्स में. Dadu is ready. Hmm. I'm also ready. Mom is ready. Dadu is still getting ready. अब हम सब तो रेडी हो गए हैं. भाई का वेट कर रहे हैं. उसका रिएक्शन देखेंगे. पर वो जैसा है उसको डाउट हो चुका होगा अब तक क्योंकि मैं और भाभी गए थे बाहर शॉपिंग करने. उसका फोन आया था. बट हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे. हमेशा वो सबको सरप्राइज देते हैं. आज हम उनको सरप्राइज देंगे. ये बस ही हमारे बलून्स तब तक टिक जाए. डाउट हुआ था कि हाँ डाउट हो गया था. देखा क्यों डाउट? डाउट नहीं मैं क्या मतलब किएगा आपको डाउट हुआ था कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं. बर्थडे बॉय सरप्राइज मिल चुका है. मम्मी डैडी भी आ चुके हैं. मिलवाते हैं आपको. अब तक तो पहचान ही चुके होंगे आप उनको. डैडी आए मम्मी आई चाचू आए. एंड हम देख रहे हैं अपने भाई की शादी की एल्बम और अपनी भी पुरानी. एंड यहाँ पे हमारा बेबी अपने नामकरण के दिखा रहा है चाचू को वीडियोस फोटोज. अच्छा ऐसे देखो थुपड़ 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 थुपड़. इसमें हम भी आएंगे. ढूंढना कहाँ है? तो मम्मी डैडी सारी एल्बम्स देख रहे हैं शादी की. हमारी शादी की भाई की शादी की जसनूर के नामकरण की उसके बर्थडे की. तो अच्छा लग रहा है. हर एक में वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कितनी मोटी थी. मैं तो ऑब्वियसली जसनूर के टाइम पे नहीं थी बट हमने अपनी फोटोज सेंड करके एडिट करके डाल दी थी. मैं एक पिक दिखा दूंगी आपको कि हमने कैसे उसको मॉडिफाई किया था कैनवा में एडिट करके. मैं अभी नीचे गई थी एक्चुअली. जो मैंने बताया था हम जो चांदनी चौक से लेके आए थे अपने स्पेक्स तो मुझे एकदम से कल माइंड में आया कि मुझे एक और अपने पावर वाले गॉगल्स बनवाने. तो मैंने वो ऑनलाइन चेक किया. भैया को ऑर्डर दिया. उन्होंने
फोन पे सारा डिस्कस किया, उन्होंने डिलीवर कराया आज बिकॉज कल मेरी फ्लाइट है। उसमें भी आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने कोई डिलीवरी गाय को हायर करके अपने वहां से डिलीवर कराया। इंडिया में यार ये सुख बहुत होता है कि आपके एक सर्विसेज होती हैं जो कुछ भी पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं आपका सामान जो चाहिए होता है। सो मैं अभी ट्राई करूंगी, बट थैंक यू ईसा भाई, बहुत हेल्प करी आपने। सो जिसने नहीं देखा वो चांदनी चौक का वीडियो गो एंड चेक, एंड ऐसे ही मतलब इतनी अच्छी सर्विस है तो क्यों ना कोई जाए उनके पास। थैंक यू। तो बर्थडे का केक काटने लगे हैं, बर्थडे बेबी रेडी। और बर्थडे बॉय लोग थे वो हाँ, तो वो है पीछे, बेबी ने अपने बर्थडे का लगाया हुआ म्यूजिक ऑलरेडी। अच्छा लग रहा है। एंड हरमीत जी हमारे साथ लाइन पे है, लाइव। और डैडी देखो क्या खिला रहे हैं, मुझे सरप्राइज करा है। मैंने कहा हम केक तो ले आए ऑलरेडी, बट वो कह रहे हैं कुछ और है ये। वो ये इंडिया आए तो अब लगे हाथ फैमिली के साथ सेलिब्रेशन जितनी हो जाए काम में। सो ये हमारी एनिवर्सरी का केक। हाँ जी खिलाओ। फोन गया एंड हमारा बेबी देखो कैसे आराम से बैठ के खाना खा रहा है। नूना बेबी दे दो प्लीज, दे दो। ओह थैंक यू, दे दो। ओ खा गया, बेइज्जती कराती। बेइज्जती दे दो। थैंक यू। नहीं बुआ को खिलाता है। थैंक यू बच्चा। एंड मम्मी अपनी स्पेशलिटी सरसों का साग एंड मक्की की रोटी बना रहे हैं। जब भी हरमीत के मम्मी आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का साग, और मम्मी तो उधर बहुत सब कुछ बहुत अच्छा बनाते ही हैं। सो मम्मा जी ने बना लिया है, देखो उधर लिपस्टिक निकल रही है। कोई नहीं, अब खाने का टाइम हो गया है। उधर हमारी परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है डांस वांस की, ये देखो। मम्मी डैडी जा रहे हैं अब मिलजुल के। टाइम का पता नहीं चला कहाँ गया, अब 11:15 हो चुके हैं, इतना टाइम हो गया है। बट हाँ अच्छा लगा, अब मिलते हैं जल्दी। बाय। देखो बड़े 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 वो जाके फोन कर दिया। बाय बाय बाय। हाय।